आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यमी सा, बहुत ही चीज़ी सा पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इजीली बन जाएगा और फटाफट भी बन जाएगा। तो इसकी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पिज़्ज़ा बेस लिया है, रेडीमेड बेस लिया है, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने पास्ता पिज़्ज़ा सॉस यूज़ किया है इसके ऊपर स्प्रेड करने के लिए। आप इस पर कोई दूसरा सॉस जो आप भी आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं, शेज़वान लगाना चाहें या फिर सिंपली टोमेटो केचप लगाना चाहें तो आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस से ये बहुत ही अच्छा टेस्ट दे। तो इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा मेयोनेज भी लगा रहे हैं, थोड़ा सा एक बहुत ही चीज़ी सा यमी सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा मेयोनेज भी यूज़ किया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डालेंगे। मैंने यहाँ पे मोज़रेला और प्रोसेस चीज़ दोनों ही यूज़ किए हैं। तो ये पिज़्ज़ा चीज़ जो होती है मोज़रेला चीज़, ये मैंने डाली है, और साथ में थोड़ी सी ये अमूल की प्रोसेस चीज़ जो होती है वो मैंने डाली है। तो थोड़ी थोड़ी सी हम पहले यहाँ डालेंगे और बाकी हम वेजीज़ के बाद डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा हमने यहाँ पर चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसमें जो भी हमें वेजिटेबल्स पसंद हैं हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले टमाटर डाले हैं, आपको जो भी पसंद हो आप छोटे छोटे क्यूब्स में या फिर उनको लंबे लंबे काट के जूलियंस की तरह भी डाल सकते हैं। थोड़े से अनियन मैंने यूज़ किए हैं, आपको जो भी पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स हैं, पीज़ हैं या फिर जो भी हैं, आप जो भी आपको पसंद हो अवेलेबल हो आप इसमें सब सब्ज़ियाँ डाल दें, हेल्दी बनेगी सब्जियों के साथ। तो आपको जो भी इसमें ऐड करनी है सब्जियां आप इसमें ऐड कर लीजिए। तो सब्जियों के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। चीज़ में पहले से नमक होता है, सॉस में भी होता है, तो इस बात का हम ध्यान देंगे, हमें सिर्फ सब्जियों के लिए ही नमक ऐड करना है। तो थोड़ी सी काली मिर्च भी मैंने इसमें ऊपर से डाल दी है। अब इसमें मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, तो अच्छा सा अमाउंट हम चिली फ्लेक्स का भी डाल देंगे अगर हमें स्पाइसी चाहिए तो, अगर स्पाइसी नहीं चाहिए तो हम अवॉइड करेंगे। तो ये थोड़ा सा काली मिर्च भी मैंने इसमें ऊपर से ऐड कर दी है। अब हम इसको चीज़ से कवर कर देंगे। तो यहाँ पे मोज़रेला चीज़ मैंने यूज़ किया, हाफ कप मोज़रेला और हाफ कप प्रोसेस चीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, बहुत ही चीज़ी सा बनाने के लिए। आप कम भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कम पसंद है तो दोनों को ही मैं मिक्स करके थोड़ा थोड़ा ऐड करते जा रही हूँ। तो अच्छे से हमें जितनी भी चीज़ यूज़ करनी है हम इस पर डाल देंगे, और फिर उसके बाद इस पर थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल लेंगे, थोड़ा सी काली मिर्च और ओरिगैनो हम इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक पैन में इसे बना रही हूँ, तो पैन में मैंने यहाँ पे एक जाली रख दी है, नीचे डायरेक्ट रखने से जलने का खतरा रहता है, तो फिर इसे हम नीचे जाली रख के बना रहे हैं। तो अब इसे मैं ढक दूँगी और 15 मिनट के लिए मैं इसे मीडियम फ्लेम पर पकने दूँगी, अच्छे से चीज़ मेल्ट हो जाएगा। तब तक आप अपने गैस के अकॉर्डिंग मतलब देख लें, चीज़ जितनी देर में मेल्ट हो जाए बस मेल्ट कर देना है, और वो क्योंकि बेस जो है वो पका हुआ है। तो देखिए 15 मिनट बाद मेरा जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है और एक बहुत ही अच्छे से खुशबू भी आ रही है। तो बस अब ये इंजॉय करने के लिए तैयार है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप इसे ट्राई करें। बहुत ईजी सी रेसिपी है, फटाफट बन जाएगी, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए कितना चीज़ी सा बना है और बहुत ही यम्मी टेस्ट है। तो आप इसे ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे बताएं आपको ये कैसी लगी। थैंक यू।